समय दे जाओ, क्या करोगे? ईसा को कहा था, ईसा दो मलाइका का जो अजन है उनका सहारा लेकर वो तुम्हारे सामने आएगा, पहचान लेना है। कहा था पहचान लेना, पहचानना कहां पड़ता है? जहां गैर मामूली नहीं, मामूली वाकया होता है। और ये तुम उस वक्त तक नहीं समझ सकोगे जब तक तुम मलाइका को ना जान लो, मलाइका को ना समझ। जब मलाइका को जान लोगे, मलाइका को समझ लोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वहां वाकयातन आज ये जो सामने बैठा हुआ है ईसा, ये वाकयातन दो मलाइका के परों का सहारा लेकर, तो अजनह का सहारा लेकर ही तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारे सामने उतर रहा है। सूरह तकवीर के अंदर बिल्कुल वाजे कर दिया, आज से 1400 सदी कबल कहा था कि जो कुछ भी आज पोशीदा है वो सब का सब सामने आ जाएगा, जो कुछ भी तुमसे छुपा हुआ है। कब? जब तुम आसमानों से पंगे लोगे, ऐसा सा तरक्की के नाम आगे बढ़ोगे, ऐसा सब कुछ सामने आ जाएगा। यहां तक ये भी कहा था मलाइका जो कि चार हैं वो ना सिर्फ सामने आ जाएंगे मलाइका के, बल्कि चार भी आठ हो जाएंगे। चार अल्लाह का अर्श उठाए हुए होंगे, निजाम चला, और चार तुम्हारा अर्श, तुम्हारा निजाम दज्जाल का। और मलाइका क्या है? उनमें से एक जिसे आप जिब्रील कहते हैं। जिब्रील क्या है भाई? नूर की एक कुव्वत है, फोर्स है, जिसका काम क्या है? पैगाम रसानी करना, डाटा इधर से उधर लेकर जाना। जरा गौर करो, अगर इस वक्त तुम अमेरिका में बैठे हुए या दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए किसी शहर से फोन पर बात करते हो, नेट पर बात करते हो, तो दरमियान में कौन है जो तुम्हारी आवाज को इधर से उधर लेकर जा रहा है? गौर तो करो, यही तो जिब्रील है। आज सामने आ गया जिसको तुम रेडियो वेव्स का नाम देते हो, सिग्नल्स का नाम देते हो। उन चार मलाइका में से एक जिसे तुम बिजली का नाम देते हो, जिसे मलकुल मौत कहते हो इजराइल, बिजली जो तुम्हारे अपने जिस्म में दौड़ती है। जब तक तुम्हारे जिस्म का एक एक एटम जो है उस बिजली को पैदा करता है, तब तक तुम जिंदा हो। जब वो तुम्हारे जिस्म के एटम जो है वो बिजली प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, तुम्हारी डेथ हो जाती है। ये दो मलाइका, तो इन्हीं दो मलाइका का सहारे मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा इस वक्त। देखो मैं तुम्हारे सामने मौजूद नहीं हूं, तुम्हारे सामने मेरी आवाज नहीं सुन रहे, मुझे देख नहीं रहे, किधर से आ रहा हूं? असमा से, ये जो फिजा है, फिजा से आ रहा हूं। कैसे? दो मलाइका का सहारा लेकर, एक जिसे तुम सिग्नल देते का नाम देते हो, सिग्नल जिब्रील, और दूसरा बिजली जिससे तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है। इन दोनों का सहारे, इन दिनों के दोनों के जरिए कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने नहीं आ रहा, तुम्हें दावत नहीं दे रहा। कहा था पहचान लेना, इसलिए कहा था पहचान लेना क्योंकि ये मामूली होगा, हर कोई इसी तरह उतर रहा होगा। तो उनमें से ईसा को पहचान लेना, ईसा की पहचान वाजे कर दी कि एक ही शख्स होगा जो अद्दजाल के कत्ल पर मुसलत हो जाएगा। जब तुम डॉक्यूमेंट्री देखोगे या किताब पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ भाई वाकई यही है जिसने ना सिर्फ अद्दजाल का इदराक किया बल्कि बाबे लुद से अद्दजाल का कत्ल कर दिया, ना कि मकामे लुद जो बकवासात गड़ी हुई है। बे बाबे लुद, जैसे छुरी से सब्जी काटी जाती है, बे से साथ, बाब रस्ता दखूल का खरूज का, लुद खालस अल्लाह का अता करदा इलम, खालस अल्लाह के इलम से, खालस अल्लाह के अता करदा इलम ही वो रस्ता है जिससे फितना दजाल में दाखिल होकर उसको चाक किया जा सकता था। और कहा था जो कर देगा वो नौजवान होगा, हिंद से ताल्लुक उसका होगा, काले बाल होंगे, स्ट्रेट नौजवान होगा। और क्या तमाम के तमाम हर लिहाज से मैं वाजे नहीं हूं, फिर भी मेरा कज़्ब कर रहे हो? करो, शोक से करो, मेरा क्या बिगड़ेगा? अपने ऊपर अजाब हलाल कर रहे हो, अपने ऊपर अजाब हलाल कर रहे हो, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। अब सिर्फ एक आखिरी पहलू से इस कुरान से तुम्हारे सामने रखेंगे, कुरान मेरी तस्दीक करता है, वो चीज रखेंगे, वो बात रखेंगे। उस वैसे कुरान बड़ा बड़ा है, आधे से ज्यादा कुरान। इसके बाद तुम लोग ऐसा करो, जिसका इंतजार कर रहे हो तुम उसका इंतजार करो, मैं उसका इंतजार करता हूं जिसका मैं कह रहा हूं। अजाब अजीम, वही अयाम जो पहली अकवाम पर आए थे जब रसूलों ने आकर खोलकर का मुतबा कर दिया था और नहीं माने थे, कज़ब किया था, वही अयाम, उन अयाम की मसल हलाक कर देने वाले। अब ये इसके अलावा अब तुमसे कलाम नहीं किया जाएगा, अब तुमसे खताब नहीं किया जाएगा, जो जी चाहे करो, अब इस तरह तुमसे कलाम नहीं किया जाएगा।
اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنے اپنے لیے عذاب چاہتے ہو یا پھر حق چاہتے ہو، حق کی تباہ کر کے دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو.